जर्नलिस्ट हैं, टीवी जर्नलिस्ट और मीडिया के डायरेक्टर ओनर तारका न्यूज़ के, आपके अजीज दोस्त हर्षदीप के साथ ही इब्राहिम भाई का जन्मदिन आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इतनी भारी संख्या में लोग आए, इनको प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया कर्मी जो भी आए हुए हैं मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज हमारे इब्राहिम भाई, हमारे बड़े भाई जो कि 20 साल पुराने हमारे फ्रेंड हैं, और शुरुआत हमारी तहलका न्यूज़ चैनल से हुई थी, उसके बाद हमको बहुत सारा प्यार मिला इनसे, बहुत सारी सीख मिली, बहुत सारे रास्ते खुले हमारे लिए इस शहर में। और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ तो उसमें मेरे ख़ास तौर से मेरे दोस्तों का सबसे बड़ा सहयोग है इस शहर में। हमारे तनवीर भाई हुए, सिकंदर भाई हुए, हमारे सबसे मुख्य अहम जो है हमारे इब्राहिम भाई हुए, उन्होंने हमेशा एक छोटे भाई की तरह हमें माना है और हमेशा हमारा सहयोग दिया है। यहाँ से लेके दिल्ली तक का रास्ता जो भी हमारा बना है इनकी वजह से बना है। और आज मैं इन लोग के सहयोग से एक अच्छे मुकाम में कांग्रेस में हूँ, और मेरी दिल से यही दुआ है कि हमेशा जो है उनका बर्थडे जब भी आए ऐसे आप लोग के साथ में, सबके साथ में एक सहयोग से मैं ऐसे ही सेलिब्रेट करता रहूँ, और दिन दुगनी रात चौगनी हो, भाई की बहुत तरक्की हो। और आप हर साल सेलिब्रेशन करते हैं आपका बर्थडे, हर साल नए नए लोग आते हैं, पुराने साथियों का भी प्यार मिलता है जी, हर साल कारवा बढ़ता जाता है जी, मंडली की जो फौज कहा जा सकता है जी, बिल्कुल। ये तो एक प्यार है, एक मोहब्बत है, एक दूसरे का साथ सहयोग सबसे ज़रूरी होता है, और सहयोग से ही इंसान आगे बढ़ता है। और मेरा ये मानना है एक दूसरे का सहयोग अगर हम देते रहेंगे ऐसे तो हमेशा ज़िंदगी में हर एक सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहेंगे। कुमार सपन जी क्या कहना चाहेंगे इब्राहिम? आज खुशी का मौका है कि हमारे बड़े भाई इब्राहिम भाई का बर्थडे है, और सागर जी ने मुझे इन्वाइट किए थे कि भाई का बर्थडे है, क्योंकि 2 साल मना चुका हूँ, ये तीसरी बार है मुझे। मैं चाहता हूँ कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, सालों साल हजारों साल जिंदा रहे मेरा भाई, मैं यही चाहता हूँ। आज इब्राहिम भाई का बर्थडे है, एंड आई विश हिम अ वेरी वेरी हैप्पी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। और भाई मेरे बहुत अजीज़ हैं, मतलब रिस्पेक्ट भी है और बड़े भाई भी हैं, तो बस जितना चाहे उतना इनको खुशी मिले, दैट्स इट। और क्या कहूँ, देखिए इब्राहिम भाई हमेशा यही चाहते हैं कि देश में अमन रहे, शांति रहे, और जो लोग भी इस कार्य में हैं वो हमेशा खुश रहें। और इनका कार्य सबसे बड़ी अच्छाई इनके अंदर ये है कि ये हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, मतलब मदद करने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है, मतलब लेने वाले का हाथ नीचे और ऊपर, ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो एक इनके अंदर ये जो अच्छाई है ये सबसे बड़ी अच्छाई है, इसकी कीमत जो है वो कोई नहीं समझ सकता, वही समझ सकता है जो परेशान इंसान हो, क्योंकि जब कोई इंसान परेशान होता है और उसकी उस वक्त मदद करी जाए जिस वक्त वो परेशान हाल है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हमारे भाई में एक ये सबसे बड़ी खूबी है कि ये हमेशा दूसरों की मदद के लिए ही अपने आप को भूल जाते हैं, और यही हमेशा हमारे सागर भाई के अंदर भी खूबी है। तो इसलिए हम सब जहाँ खड़े होते हैं तो वहाँ पर ये लगता है कि कुछ अच्छे लोग खड़े हुए हैं, इंसानियत की बात करने के लिए खड़े हुए हैं। तो आज इब्राहिम भाई हमारे जो हैं वो हसीन और जवान जो चेहरा देख रहे हैं, ये खूबसूरती जो देख रहे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि हमेशा नेक काम करना चाहिए, इंसान को अच्छा काम करना चाहिए, और अच्छे कार्य का जो है नतीजा भी अच्छा ही होता जी। मैं मेरे सारे दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मेरा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट किया, खास करके सिकंदर भाई और अपने सागर भाई।